हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज IJEPS में सेशन 2023-24 में MPH की कितनी कट ऑफ गई थी कैटेगरी वाइज। कट ऑफ के बारे में मैं हर साल आपको क्यों बताता हूं, इसलिए ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि पिछले सालों में क्या ट्रेंड रहा, किस कैटेगरी में कितनी कितनी कट ऑफ पे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ और आने वाले सालों में या इस साल कितने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इससे पहले भी पिछले 4 साल से लगातार मैं कट ऑफ पर वीडियोस बना रहा हूँ, वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, 2019, 20, 21, 22 और अब ये 23 की वीडियो है। अगले साल 2024 की वीडियो भी मैं बनाऊंगा। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 कट ऑफ आई थी पिछले साल MPH की। स्क्रीन पर आपको दिख रही है ये फर्स्ट कट ऑफ, फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। इसमें कैटेगरी वाइज कितने कट ऑफ मार्क्स आए थे ये देखिए। अनरिजर्व कैटेगरी में 50.38% मार्क्स आए थे, तो UR कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया था। EWS में 46.80, OBC नॉन क्रीमी लेयर में 43.33%, SC कैटेगरी में 40.53%, ST कैटेगरी में 37.53%, CW कैटेगरी मतलब जो के चिल्ड्रन और विडो ऑफ आर्म्ड पर्सनल्स होते हैं उसमें 43.55%, और वार्ड कोटा मतलब जो भी लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो एक टीचर के रूप में जॉब कर रहे हों या वो सी या डी ग्रेड स्टाफ में जॉब कर रहे हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको वार्ड कोटा का एक बेनिफिट मिलता है, तो उनकी कितनी कट ऑफ गई है 45.75%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो ओवरऑल कट ऑफ है जो कि आपको येलो कलर में दिख रही है। इसको अगर हम स्प्लिट करके देखें तो आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में 50.38% पे जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ ये आखिरी मार्क्स है, इसके बाद फर्स्ट मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, इससे कम जिनके मार्क्स आए थे। तो फर्स्ट मेरिट में उसके रिटर्न मार्क्स कितने थे, रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट जो कि CUET का 400 का हुआ था लास्ट ईयर, 171 नंबर थे। फिजिकल टेस्ट में कितने थे, तो बहुत अच्छा किया था स्टूडेंट ने, 20 out of 20 आए थे, 20 नंबर का फिजिकल टेस्ट होता है तो पूरे 20 नंबर आए थे। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पे कितने मिले, 30 में से होता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, तो 9 नंबर मिले। ओवरऑल 50.38% पे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया MPH में IJEPS कॉलेज में। इसी तरह से EWS में आप लोग देख सकते हैं कि 46.80 पे सिलेक्शन हुआ, रिटर्न में 240 आए थे, फिजिकल में 16.8% थे और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट तो था ही नहीं स्टूडेंट के पास, लेकिन सिलेक्शन हो गया। स्टूडेंट ने रिटर्न में अच्छा परफॉर्म किया, फिजिकल में भी ठीक ठाक ही परफॉर्म किया, लेकिन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं था फिर भी सिलेक्शन हुआ क्योंकि रिटर्न में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, तो ये EWS का हो गया। OBC में 43.33% आए, तो रिटर्न में कितना आया, 145, फिजिकल में 19.2, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 6 नंबर मिले। SC कैटेगरी में 40.53 मार्क्स आए, जिसमें रिटर्न में 97 ही रहे केवल, फिजिकल टेस्ट में 19.4 मार्क्स और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 9 मार्क्स मिले। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में अच्छे मार्क्स हैं, फिजिकल टेस्ट भी अच्छा दिया है, हाँ रिटर्न टेस्ट में थोड़े कम मार्क्स रहे हैं। तो ओवरऑल मिलाकर के SC कैटेगरी में 40.53 पर सिलेक्शन हो गया था। ST कैटेगरी में 37.53 पे भी सिलेक्शन हो गया था। रिटर्न में कितने आए थे, 121 आए थे, फिजिकल टेस्ट में 13.4 और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 9 मार्क्स आए थे। इसी तरह से CW में आप देख सकते हैं 198 मार्क्स थे, फिजिकल टेस्ट में 19.8 और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हो गया क्योंकि ओवरऑल मार्क्स ज़्यादा थे। वार्ड कोटा में कितना आया, 45.75 था, रिटर्न में 158 मार्क्स आए आउट ऑफ 400, फिजिकल टेस्ट में 20 मार्क्स आए और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 6 मार्क्स आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2023 की फर्स्ट मेरिट थी। ओवरऑल कितने में सिलेक्शन हुआ ये येलो कलर में दिख रहा है, और रिटर्न फिजिकल और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में कितने कितने मार्क्स आए। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि मैटर नहीं करता कि अगर लास्ट ईयर रिटर्न में 171 ही आए थे तो आपको भी इतने ही लाने हैं, मेन चीज़ है ओवरऑल कितने आए हैं। इस येलो कलर वाले उसको ज़्यादा ध्यान से देखिए और ये देखिए कि आपके इस साल रिटर्न में कितने बन रहे हैं और अब आप कितना पीछे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पिछले साल की कट ऑफ जो है वो एग्जैक्टली उतनी ही जाएगी, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, 2022 में तो इससे ज़्यादा कट ऑफ गई थी, तो आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। और कई बार कम कट ऑफ भी जाती है तो घटती बढ़ती रहती है, लेकिन लेकिन एक जो ट्रेंड रहता है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं मिलता, 2-3% का ही दिखता है। चाहे आप मेरे पिछले सालों की वीडियो भी देख लेंगे 2019, 20, 21, 22 और अब 23 की, तो सब में आपको सिमिलर सा ट्रेंड देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस ही देखने को आपको मिलता है परसेंटेज में। ठीक है, तो फर्स्ट मेरिट हो गई, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जो आपका पिछले साल हुआ था सिलेक्शन वो किस बेस पर हुआ था, रिटर्न टेस्ट आपका CUET का हुआ था जो 400 नंबर का हुआ था, और उसका वेटेज कितना था, रिटर्न का 50% था, फिजिकल का 20% था, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का 50% था। ठीक है, तो इस तरह से आपकी मेरिट तैयार हुई थी। इस साल अगर हम 2024-25 सेशन की बात करेंगे तो 2024-25 सेशन में आपका जो रिटर्न टेस्ट है वो 400 का ना होकर के 300 का है,
तो आप जो अपने मार्क्स कैलकुलेट करेंगे वो 300 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन वेटेज वही है, चाहे 300 का हो आपका पेपर, लेकिन फाइनल मेरिट में 50% ही है 2024-25 सेशन में, और बाकी फिजिकल टेस्ट तो वही 20 नंबर का है और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वही 30 नंबर के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेरिट आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट मेरिट के बाद सेकेंड मेरिट आई, ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रही है। सेकेंड मेरिट में क्या है, तो कुछ कैटेगरीज की सीटें भर गई हैं फर्स्ट मेरिट के अंदर ही, EWS की, CW कैटेगरी की और वार्ड कोटा की, आप देख सकते हैं। इनके अलावा UR कैटेगरी के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। कितनी कट ऑफ आई, 49% मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया, यानी कितने का डिफरेंस रहा, पिछले में कितना था ये देखिए 50.38 था, तो लगभग 1.5% के आसपास परसेंटेज घटी सेकेंड कट ऑफ में। रिटर्न में कितना आए थे 196, फिजिकल टेस्ट में पूरे 20 नंबर आए, अच्छे मार्क्स है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 4.5 मार्क्स ही आए। OBC का देखेंगे हम तो कट ऑफ मार्क्स कितना है, 43% पे सिलेक्शन हुआ, पिछले में कितना था फर्स्ट मेरिट में, तो 43.33% था, यानी कि 0.33% की ही गिरावट केवल देखने को मिली OBC कैटेगरी में। रिटर्न में कितना आए थे 248, फिजिकल में 12 मार्क्स और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं था, तो इसमें सिलेक्शन हुआ रिटर्न के बेस पे हम कह सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में भी जीरो थे और फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, केवल 12 ही नंबर थे, लेकिन रिटर्न में अच्छा किया तो सिलेक्शन हो गया सेकेंड मेरिट में। इसी तरह से SC कैटेगरी में 36.6% पे सिलेक्शन हुआ, पहले कितने पे हुआ था 40.53 पे, तो लगभग इसमें भी 3-4% का गिरावट देखने को आपको मिली। रिटर्न टेस्ट में कितना है SC कैटेगरी में 140, फिजिकल में 14.6 और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 4.5। ST कैटेगरी का अगर हम देखेंगे तो 30.3% पे सिलेक्शन हुआ, जो कि लगभग 7% की गिरावट इसमें देखने को मिली। रिटर्न टेस्ट में 161 मार्क्स आए, फिजिकल टेस्ट में 10.2 मार्क्स आए और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 0 मार्क्स आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी सेकेंड मेरिट लिस्ट, उसमें कितनी कट ऑफ गई यह मैंने आपको दिखा दिया। अब देखते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट, ध्यान रखिएगा थर्ड मेरिट लिस्ट के जो कट ऑफ मार्क्स हैं ये स्पॉट राउंड के बेस पे इसमें एडमिशन हुआ था। स्पॉट राउंड मतलब अब जब दोनों मेरिट के बेस पर सिलेक्शन हो गया तो लास्ट में कुछ सीटें बची। सीटें कैसे बचती हैं, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने LIP या किसी दूसरे और अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया हो, या वो यहाँ आना ना चाहता हो तो उसकी सीट खाली रह जाती है, या कोई लोग विड्रॉ भी कर लेते हैं उसकी भी सीट खाली रह जाती है, तो अगले राउंड में मौका दिया जाता है। तो जो तीसरा स्पॉट राउंड है, स्पॉट राउंड क्या है, सबको मौका दिया जाता है, ज़्यादातर आमतौर से ऐसा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि कॉल करके पूछते हैं जो अगली रैंक वाले बच्चे होते हैं कि भाई क्या आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या आप लेना चाहते हैं, वो कॉल पे क्लियर कर लेते हैं। और अगर कोई हाँ कहता है कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ, मतलब उसमें भी रैंक के हिसाब से ही कॉल करेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को भी कॉल कर देंगे, जिसकी नेक्स्ट अच्छी रैंक होगी उसको ही कॉल करके कंफर्म करते हैं। अगर वो हाँ कहता है तो फिर उसका लिस्ट में नाम निकाल देते हैं और डेट दे देते हैं कि भाई इस डेट तक आप लोग एडमिशन ले लीजिए। तो जो स्पॉट राउंड में आप देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें भर गई, EWS की भी भर गई, OBC की भी भर गई, केवल SC और ST कैटेगरी में ही सीट्स बची। अब SC कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स कितने गए, 36.25% कट ऑफ मार्क्स है, जो कि पिछले मेरिट के अकॉर्डिंग थोड़े से ही कम है। रिटर्न में कितना आए थे 162, फिजिकल टेस्ट में कितना आए थे 16 और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 0। ST कैटेगरी में 29.83, रिटर्न में 109, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 16.2 और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में भी 0 मार्क्स आए। ठीक है, तो ये थर्ड मेरिट थी और इसके बाद एडमिशन क्लोज हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इन तीन मेरिट के बाद सारी सीटें फिल हो गई। कितनी सीटें हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 49 सीट्स हैं, तो 49 की 49 सीटें भर गई तीन मेरिट के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।